हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जी ब्रह्मास बैच में हम लोग इंडिया ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। इससे पहले भी हम लोगों ने उत्तर पर्वतीय प्रदेश कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, इन सबको कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ये सब था, मतलब ये हिमालय है और फिर यहाँ से मैदान स्टार्ट होता है। उत्तर का जो विशाल मैदान, इसको कहा जाता है हिमालय का वरदान। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? प्ली स्टोन सीन काल में इसका निर्माण हुआ था। मैदान हिमालय से आने वाले औषधों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। इसका कुल क्षेत्र है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर और लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर और इसका विस्तार सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर इसका विस्तार है मैदान का। इसका विभाजन देखिए, विभाजन दो आधार पर किया गया है, प्रादेशिक आधार पर और निर्माण के आधार पर। प्रादेशिक आधार पर तीन तरीके से किया गया है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, नदी का मैदान, दूसरा है गंगा नदी का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। निर्माण के आधार पर भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। तो सबसे पहले हम लोग निर्माण के आधार पर विभाजन देखेंगे उत्तर का जो मैदान है उसका। यहाँ पर देखिए, ये है हिमालय। अब यहाँ से नदी निकलती है और नदी अपने साथ ढेर सारे अवसाद लेके आती है। अब ये नदी जो है युवा अवस्था में, जब हम लोग भी मतलब इस समय ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है ज़्यादा वजन नहीं उठता है, बुजुर्ग होते हैं। तो युवा अवस्था में नदी है तो अपने साथ ढेर सारे पत्थर, कंकड़, बड़े बड़े लेके आती है और यहाँ पर इसे लेके आती है। तो यहाँ पर इसे मतलब ढेर सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका आकार हो जाता है कुछ शंकु प्रकार का। ये देखिए, शंकु प्रकार का, देखिए इसी को कहा जाता है भाबर। पत्थर कंकड़ के जमाव के कारण या जो बनता है उसको कहा जाता है भाबर। और यहाँ नदियाँ नहीं दिखती है, मतलब नदी का पानी नहीं दिखेगा। नदी के पानी का आवाज़ आएगा लेकिन नदी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं कि जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से बह रहा है और ऊपर पत्थर है, तो आवाज़ आएगी लेकिन दिखाई नहीं देगा पानी। तो यहाँ नदी अदृश्य हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इसका आकार है शंकु का, इसको कहा जाता है जलोढ़ शंकु। अगर ऐसे ढेर सारे शंकु हो तो उसको कहा जाएगा जलोढ़ पंख। अब फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो ये ऐसे दलदली, मतलब यहाँ पानी है, पानी भरा हुआ है और यहाँ नदी दृष्टि गोचर है, मतलब नदी दिखाई देगी। और इस क्षेत्र में अगर ये तराई क्षेत्र है, पानी भरा हुआ है, तो ये दलदली है तो यहाँ पर बीमारी बहुत अधिक होगी। यहाँ पर मच्छरों का लार्वा पैदा होगा, पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ बीमारी तो होगी ही, तो यहाँ पर बीमारी बहुत अधिक होती है इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है आपका ये बांगर और यहाँ पर है खादर। खादर, बांगर को पहले देखिए, बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचता है। बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचता है क्योंकि ऊंचाई पे है, तो यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और इसको कहा जाता है पुरानी जलोढ़क मृदा। किस यहाँ पर सिंचाई लोग करते हैं, सिंचाई के लिए सिंचाई करते हैं और रासायनिक उर्वरक डालते हैं। तो यहाँ पर इसको भी अभी देखते हैं, रासायनिक उर्वरक डालने से क्या मतलब नुकसान होता है। फिर उसके बाद आता है खादर, इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़क मृदा। बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुँचता है और ये सर्वाधिक उपजाऊ है, क्योंकि जहाँ पर पानी अधिक रहेगा वहाँ की जो मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ होगी। उसके बाद जब पानी है और फिर यहाँ पर ऐसे जाके गिर जाती है और ऐसे डेल्टा का आकार बना लेती है, तो ये हो डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये हो गया उत्तर का जो विशाल मैदान है, निर्माण के आधार पर विभाजन। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बांगर है, कृषि उपयोग करने के लिए यहाँ सिंचाई की जाती है और रासायनिक उर्वरक भी डाला जाता है। तो अगर रासायनिक उर्वरक डाला जा रहा है तो वहाँ जो भूमि होती है उसको कहा जाता है रे या कलर भूमि। और जो सिंचाई है ऊपरी, जो अगर सिंचाई बहुत सिंचाई किया जा रहा है तो ऊपरी जो उपजाऊ परत है यह बहकर चली जाती है और नीचे वाली खुरदरी परत, कंकरीली परत ऊपर आ जाती है, तो इसको कहा जाता है भूड़। तो सिंचाई जहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है तो ऊपरी परत बह जाती है और नीचे खुरदरी, कंकड़ी जो मृदा रहती है वो ऊपर आ जाती है, तो इसको कहा जाता है भ्रूण। और रासायनिक उर्वरक जहाँ ज़्यादा बहुत डाला जाता है उस भूमि को कहा जाता है रे या कलर। इससे भी रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा अगर डाला जाता है तो उससे भी भूमि बंजर बन जाती है। फायदा तो उस समय देता है जिस समय डाला जाता है, लेकिन धीरे धीरे डालते डालते वो भूमि बंजर हो जाती है। अब देखते हैं प्रादेशिक आधार पर विभाजन। पंजाब का मैदान, मतलब सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, पंजाब का मैदान जो है। अब ये देखिए, ये है सिंधु नदी। यहाँ पर देखिए, अगर दो नदी आपस में मिलती है तो बीच का जो स्थान होता है तो इसको कहा जाता है दोआब। ये है सिंधु नदी।
अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी नदी मिल रही है, ये है झेलम नदी, यह है चेनाब नदी, यह है रावी नदी, यह है ब्यास नदी और यह है सतलुज नदी। तो पांच नदियाँ इसमें आकर मिल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है पंचआब, पांच दोआब, और इसी से बना है पंजाब। अब यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने कहा कि दो नदी अगर आपसे मिलती है तो बीच का जो स्थान है उसको दोआब कहते हैं। तो ये सिंधु और झेलम इन दोनों नदियों का जो दोआब है उसको कहा जाता है सिंध सागर दोआब, सबसे बड़ा दोआब है सिंध सागर दोआब। फिर देखिए झेलम और चेनाब, इसका सी एच ई और इसका जे बन गया से छेज दोआब, छेज दोआब। फिर ये चेनाब और रावी, इसका बन गया रचना दोआब, रावी और ब्यास का बारी दोआब, ब्यास और सतलुज का बिष्ट दोआब। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा दोआब भारत में पूर्णतः है, तो ये सब पाकिस्तान में है, मतलब कुछ हिस्सा, मतलब ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। एकमात्र दोआब जो भारत में पूर्णतः है वह है बिष्ट दोआब। अब देखिए नेक्स्ट है गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान। अब ये देखिए ये है गंगा नदी, फिगर के माध्यम से ही समझेंगे और इसमें कुछ लिखना नहीं है, फिगर के माध्यम से ही। यहाँ पर देखिए ये है रामगंगा मिल रही है, यहाँ पर गोमती नदी मिल रही है, यहाँ पर घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, महानंदा मिल रही है, और यहाँ से यमुना नदी मिल रही है, यहाँ से सोन नदी मिल रही है, यहाँ मतलब हुगली निकल रही है। फिर यहाँ देखिए ये जो गंगा नदी है और ये यमुना नदी, गंगा नदी और यमुना नदी का जो दोआब है इसको कहा जाता है गंगा यमुना दोआब, ये वाला स्थान। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्थान है ये है रोहलखंड, यहाँ अवध, ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये है सारण, बिहार में मैदान है सारण मैदान। यहाँ पर है सोन नदी के पास मगध, यहाँ पर है कोशी के पास मिथिला, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो ये मैदान है रोहलखंड, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध, सारण, मिथिला, पश्चिम बंगाल। ये आपका गंगा नदी है, रामगंगा मिल रही है, गोमती मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक मिल रही है, कोशी मिल रही है, महानंदा मिल रही है, यहाँ से यमुना नदी मिल रही है और यहाँ से सोन नदी मिल रही है। ये जो स्थान है इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है, यहीं पर है सुंदरबन डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है महानंदा और ये हुगली, ये जो है क्षेत्र इसको कहा जाता है निम्न गंगा का मैदान। यहाँ पर बारिश होती है 200 सेंटीमीटर और यहाँ की जो बारिश बहुत अधिक होती है तो यहाँ की जो मृदा होती है वो खादर मृदा होती है, बहुत उपजाऊ मृदा यहाँ की है, चावल जूट उत्पादन यहाँ पर होता है और ये एरिया पश्चिम बंगाल में आता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोशी, यहाँ ये मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ पर मतलब बारिश होती है तो ये खादर और बांगर यहाँ मृदा पाई जाती है, गंगा और गन्ना और चावल का उत्पादन यहाँ किया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एरिया ये पूरा गोमती रामगंगा यमुना ये सब, ये ऊपरी गंगा का मैदान इसको कहा जाता है, 100 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है, इसको बांगर और तराई का क्षेत्र कहा जाता है, तराई मृदा यहाँ मिलती है तो ज़्यादातर तराई मिलती है, जिस पर टिक मैंने मारा है वो मृदा यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, तराई यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। तो जैसे गन्ना यहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कहाँ की है, यहाँ की है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ की मृदा उतना ही उपजाऊ ही होगी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, अधिकांश भाग इसका असम में आता है, चावल की खेती के लिए फेमस है ये, बाढ़ की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बाढ़ है। फ्रेंड जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @JustDoItYar। अब बाढ़ यहाँ पर क्यों आती है, क्योंकि चीन के पास एक डैम है, जब चीन में बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी भर जाता है तो वो डैम अपना खोल देता है, तो जिससे सारा पानी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है, इसी यही कारण है कि यहाँ बाढ़ आ जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, उत्तर का विशाल मैदान हम लोगों ने कवर किया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपी भारत को कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।